हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज पहला दिन है हमारा फेरी मारने का। इससे पहले बाज़ार लेके जाता था, तो अभी मैं सारा सामान लाया लिया, कपड़ा का जो भी गांव-गांव बेचना था उसको सामान मेरे पास नहीं था, तो उसको अभी लाया हूँ फाइनली। तो अभी गाड़ी पे ऐसे लदा हुआ है, ये है बच्चों का सामान, और इसमें है कैपरी है, बंडी है, और ये भाई पीछे शॉल, और इसमें लैगी है और लोगर है, तो ये नीचे वाले में है साड़ी। तो अभी रखा हूँ चुनरी इस साइड में, तो अभी फाइनली निकलता हूँ यहाँ से कपड़ा मार्केट बेचने के लिए। क्योंकि तो दोस्तों, फाइनली घर से निकल पड़ा हूँ और मैं आ गया अपने घर से 5 किलोमीटर दूर है। ये गांव का नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इस गांव में एंट्री कर रहा हूँ। देखता हूँ दोस्तों यहाँ पर बोनी होता है कि नहीं होता, क्योंकि भाई अभी रास्ता बहुत ऊँट खबार दिख रहा था। और अभी गाँव में एंट्री करता हूँ, क्योंकि अभी पहला दिन है इसलिए वीडियो नहीं शूट कर सकता। तो दोस्तों, फाइनली अभी मैं एक गाँव में हालात था, और जिसमें से मुझे बहुत अच्छा खुशी फील हो रहा है, क्योंकि आज मैंने पहली बोनी कर लिया हूँ पहले गांव में हलते ही। तो अभी शुरुआत कर दिया हूँ, क्योंकि मेरे पास कपड़े अभी उतना नहीं है, लेकिन जो भी हैं ठीक है। लेकिन आदमी बहुत सारा पैसा, बहुत सारा कपड़ा मांगता है, जो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे पहला दिन है फेरी मारने के लिए, इसीलिए मेरे पास सामान ज़्यादा नहीं ला पाया, और मुझे उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कपड़ा बेचने के लिए तब भी। लेकिन ऊपर वाले के दुआ से मैंने आज भाई अभी 250 का काम कर लिया हूँ, 250 का बेच दिया हूँ। अभी आधा घंटा हुआ निकले घर से, तो अभी चलता हूँ भाई आगे। अभी इस आगे सामने वाला गांव आ रहा है, और इसमें भी हलेंगे थोड़ा सा और एक फेरी मारेंगे, तो आगे देखता हूँ क्या होता है। तो भाई अभी के फाइनल पानी वानी पी लिया हूँ, और मुझे बोतल रखना पड़ेगा, क्योंकि बगैर बोतल का कुछ नहीं होगा। और जब भी पानी प्यास लगता है तो हाथ से पीना पड़ता है, तो हाथ से पेट नहीं भरता। तो अभी मेरी गाड़ी उस साइड में खड़ी है, आपको दिखाता हूँ भाई, क्योंकि प्यास बहुत तेज़ लगा था, और 5-6 गाँव घूम लिया हूँ अभी, तो पता नहीं ये कौन सा गाँव है, मुझे नहीं पता है। एक चाचा आते हैं, उनसे पूछते हैं कौन सा गाँव है ये। हाँ चाचा, बच गए, बारह बज गए। बारह, ये कौन सा गांव है? ये है सुकुलपुरवा। सुकुलपुरवा, इधर रास्ता है जाने का? हाँ, वो एरिया चल रहा है। अच्छा, पैदल है उधर? हाँ, राशन मिला का है ना। अच्छा, आप कहाँ घर है? अरे मेरा गुन्नौर है, गुन्नौर। हमारी कहते हैं क्या है? अच्छा, कहाँ आपका घर है? मानसापुर। हाँ, मदरपासीपुरवा में आए। तो भाई अभी पान साहब पुरके थे, हमारे गांव के बगल के ही है, मुझे नहीं पता है। तो अभी पानी वानी पी के मैं थोड़ा सा, इधर पेड़ बहुत अच्छा है, हवा चल रहा है, और ऊंच पे है, देख सकते हो कितना ऊंचे है। तो 10-15 मिनट बैठ कर इधर छाना लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये कौन सा गांव? धानेपुरो निकल पड़ा था, और ये आगे वाला सुकल के पुरवा है। तो चलते बैठ के थोड़ी देर इंतजार करेंगे, उसके बाद फिर चलते हैं आगे दोस्तों। सबके मन है, लेकिन इनके मन नहीं ना। बहुत सौदा जाता है, देखा क्या है, लावत है, कितना लागत है। ले लिया खेत है, खेल लिया, बहुत अच्छा ले लिया। कौन वाला कादरे बच्चे थे? उधार दिया था, ये आई वाला चला उधार ना भाई, देखा आप ला दिया फिर उधार ना करा। आज ये 28, अब तो हां 150 के बेचत रहे, 100 रुपए दी था आपके साथ। अब वही तो कहते हैं पैसा नहीं ना, यही का आप यही यहां जो रहा है उतने में होत ना करे। चला कौन बात, फिर आवा कर तो आवाज मारा कर। इधर ही जाता है, जाता है सौदा लावे, तो ही मासे दिखे तो मार। बिया का पढ़ाई का? बिया पढ़ाई का ओके है, बिया हवा नहीं ना, बाकी है परीक्षा है। अच्छा परीक्षा, लड़के लड़का? लड़का गया। अच्छा, तो परीक्षा में कम लागत है भैया, बहुत लागत है। हां भाई, खाओ पियो पर तो भाई लागत है। तो हम कहा कि नहीं ना, ठीक है, गर्मी हो आएंगे। चला है, जगह तो चला है।
चला फिर वो पहले नहीं दिखा नहीं या ऐसा पहनते नहीं है का भा है ऐसा पहन रही है हम नहीं पहनते भारी है बे वो ऐसे कोनो पंजाबी रही ना कहीं हम भाई खाना पजामे वाले जे हमको पहिताई पनिया ये दान उठ ली ये तो कम पा तुम पर लेबे तो फिर ले जे पैसा चल अच्छा जा जा के चल जा गौना गौना दे जा जा जौन है माने कौन के रास्ता वहां है ऐसे हल सका है ये कौन गांव है सिरखिरी है तो लाइक दिया लड़कियां का लड़का हुआ सब एक समान है सब इनके लाइक बहुत अच्छा है लड़के लड़का है वही माँ हो जाता वही मुके यही मुके पहनाएं दिया लेबू चला ठीक है आप चलते हूँ एक सी रास्ता है वो इसी आगे से आगे वही सही थी। चलो भाई चलते फिरते तीन कपड़ा इधर ही बिक गया आज बस ऐसे पहले दिन था इसलिए थोड़ा अभी शर्म लग रहा था लेकिन धीरे धीरे शर्म छूट जाएगा जो हम कपड़ा बेचने लगेंगे तो बहुत अच्छा है ऊपर वाले के दुआ से बस ऐसे घूमते रहें गांव गांव में अभी एक चक्कर यहां मार देते हैं इस गांव में भाई तो भाई लोग अभी देख सकते हो लोकेशन मेरा और यहां पर कोई आदमी नहीं है और ये हमारी बाइक खड़ी है भाई झोला वाला पीछे लगा हुआ है और अभी मैं एक बोतल पानी के ले लिया हूं और दो समोसा ले लिया हूं और भाई भूख बहुत तेज़ लगी है तो वो सामने रखा हुआ बना हुआ टीने के तो चलता हूँ उधर खाता हूँ बैठकर भाई 10-5 मिनट फिर आराम करूँगा उसके बाद देखता हूँ घर जाना है कि अभी किसी और गांव में घूमना है भाई इधर ही ज़मीन पर बैठ जाता हूँ धूप है कोई दिक्कत नहीं मिट्टी उट्टी नहीं लगेगा तो समोसा और भाई चटनी खा ले ओ समोसा मिर्चा है भाई खाने लिया तो भूख बहुत तेज लगा है तो भाई अभी फ़िलहाल पानी वानी पी लिया हूँ और भूख बहुत तेज़ लगा है और अभी गर्मी का मौसम इतना तेज़ है कि आप कहीं भी अगर 1-2 घंटा अगर धूप में चलते रहोगे तो आपको ऐसे प्यास भूख लग जाता है क्योंकि भाई इस समय पानी की ज़रूरत बहुत होता है और मैं काफ़ी देर से प्यासा था और नल में पेट नहीं भरता था क्योंकि कुछ सी चीज़ में अगर बोतल रखे रहो या कोई गिलास रखे रहो तब पी जाता लेकिन हाथ से नहीं पी जाता तो इधर मार्केट लगती है इस साइड में तो यहाँ भी बाज़ार लगता है तो मैं यहाँ अच्छा जगह देखा और मैं समोसा रास्ते में ले लिया और मैं कहा थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं अभी पानी वानी पी के पूरा पेट भर गया है तो अभी चलता हूँ देखता हूँ किस गांव में जाना है देखता हूँ 2-4 और बिकेगा कि नहीं बिकेगा तो चलो फटाफट चलते हैं दोस्तों भाई फाइनली दोस्तों अभी मैं आ गया अपने घर पे और अभी बज गए हमारे यहाँ 4 बजने वाले हैं गाड़ी खड़ी है देख सकते हो तो दोस्तों फाइनली अभी मैं घर पे आ गया और टाइम हो गया हमारे यहाँ लगभग दोस्तों 3 बज गए और 3 मिनट हो गया
तो आज पहला दिन था इसलिए थोड़ा जल्दी आ गया और लेट में निकला भी था, और फिर भी अच्छा सा सेल कर दिया हूँ। और आज बहुत कुछ मेरे पास सीखने को मिला, और बहुत कुछ नहीं था, जैसा मेरे पास हारन नहीं था बजाने वाला, क्योंकि ऐसे गली से निकलते रहो तो कुछ ना कुछ अगर मैक रखे रहो तो आवाज़ आता है उससे, ताकि लोगों को पता चल जाता है। तो भाई ये प्रॉब्लम था, और बहुत सारा कपड़ा मेरे पास कम था जो 3-4 आइटम रखा था, फिर भी आज अच्छा सेल हुआ है। तो चलते हैं फटाफट भाई, कपड़े को उतार के रखते हैं घर पे, ताकि फिर कल से निकलेंगे। और आज का टाइम बस हो गया दोस्तों, तो चलो फटाफट उतारते हैं सामान को। तो भाई देख सकते हो मैं अकेला टाइम से आ गया, और जो बाज़ार जाता हूँ तो रात हो जाता है, 8 बज जाता है 9 बज जाता है। बाज़ार में बैठता हूँ तो थक जाता हूँ। इस तरह फेरी में मैं 11 बजे निकला था, 3 बजे आ गया, मात्र 3 घंटा लगा था उधर, 3 घंटा या 4 घंटे में वापस आ गया। और मुझे अच्छा भी लगा कि गांव-गांव जाने पर कुछ सीख मिलता है, और मेरे पास माल भी कम है, तो इसी करके थोड़ा जल्दी आ गया, और आज पहला दिन था। तो फाइनली आज का ख़त्म हो गया काम, और आज बहुत खुशी हुआ कि पहला दिन था और अच्छा सेल हुआ है, क्योंकि मेरे पास सामान तो नहीं था और मेरा एक्सपीरियंस कुछ अलग था भाई। और जो अगर फर्स्ट बार अगर कपड़े का या कोई भी बिजनेस करते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कत होता है, और मुझे भी हुआ इस बात का। और मेरे पास अब कल से व्यवस्था थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि लोगों का डिमांड अलग अलग होता है, और मेरे पास 3-4 आइटम था उसी में अच्छा हुआ कि मतलब हर जगह जहाँ उतारता था माल कुछ ना कुछ बिक जाता था। तो फाइनली दोस्तों आज आपको ज़्यादा तो नहीं बता सकते, लेकिन सेल अच्छा हो गया है, और ऊपर वाले के दुआ से आप लोग दुआ करिए भी कि हमारा काम आगे बढ़े और हमारा मनोबल बना रहा है दोस्तों। और आप लोग अगर हमारी वीडियो को पसंद आए तो कमेंट जरूर करना, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल करना दोस्तों, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।